चल भाई सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर आपका जो पाई ट्यूटोरियल है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो, गुड इवनिंग। मेरा नाम प्रोफेसर विशाल पई है। अगर मैं अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने बीकॉम किया है, उसके बाद मैंने एमबीए किया है फाइनेंस में, उसके बाद मैंने जो टीचर के लिए लगता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, और करेंटली मैंने अपना एमकॉम कंप्लीट किया है। ये सारी डिग्रियां हैं मेरे पास। सर, आपका पाई ट्यूटोरियल बहुत ही फेमस है एमएचबी कॉलोनी में। ये ट्यूटोरियल आपका जो ट्यूशन क्लासेस है, ये खोलने का रीज़न क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरे डैडी का ड्रीम था, कि उनका था कि मेरा बेटा कुछ करे, टीचिंग फील्ड में आगे जाए। तो सबसे पहला तो मैंने प्लान आउट किया था कि कहीं रेंट पे ले, लेकिन डैडी ने कहा हमारी खुद की ज़मीन है, खुद का जगह है, तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंड हमने चालू किया ये क्लासेस, बट अफसोस क्लासेस का इनोग्रेशन हमारा हुआ 29 नवंबर 2021, और एक दिन के बाद ही मेरे डैडी हॉस्पिटलाइज होके उनकी डेथ हो गई। तो मेरा लोगों के लिए मे भी ये क्लासेस रहे, बट ये मेरे लिए मेरे डैडी का एक सपना है जो मैंने पूरा किया है, और बहुत सारे सपने डैडी के जो मैं पूरा करना चाहता हूँ वो कहीं ना कहीं से देख रहे हो गए, और मुझे प्राउड फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने डैडी का एक सपना पूरा किया है, और जो भी उनके सपने और मुझे पूरे करने हैं। सर, आपके क्लासेस में कितने बच्चे पढ़ते हैं, क्या क्या आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और कहाँ तक पढ़ाते हैं? मेरे यहाँ से करंटली मैंने अभी जूनियर केजी से लेके 10th स्टैंडर्ड तक स्टार्ट किया, बिकॉज ये इनिशियल स्टेज है। और यहाँ पे हमारे अलग अलग जैसे स्कूल सेक्शंस के स्टेट बोर्ड हम पढ़ाते हैं, आईसीएसई बोर्ड के कुछ बच्चे आते हैं हमारे पास। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे अच्छी खासी फैकल्टी है जो हाईली एजुकेटेड है और हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी है, वो पढ़ाते हैं। अगर मैं क्लासरूम की बात करूँ तो जैसा आजकल जो हमारा जमाना चल रहा है डिजिटल वर्ल्ड, उस हिसाब से मैंने अपने क्लासरूम को डिजाइन किया है। हमारे क्लासेस में प्रोजेक्टर्स लगाए हैं, हमने स्मार्ट टीवी है, यहाँ पे अटेंडेंस मशीन है, बायोमेट्रिक मशीन है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स के लिए फर्स्ट एड बॉक्स हमने लगाया है। उसके अलावा यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है, सीसीटीवी कैमराज है, जो आजकल के दौर के लिए जो लगता है बच्चों के लिए, वो सारी फैसिलिटी हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है बच्चों के लिए। सर, जो स्ट्रीम्स है कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, उसमें भी आप लोग पढ़ाते हैं या अभी स्कूल लेवल? फिलहाल यहाँ तक 10th तक ही मैंने स्टार्ट किया, बट बाहर मैं दूसरे क्लासेस में जाता हूँ, वहाँ पे मैं टीवाई बीकॉम बोले तो 15वीं 15 तक मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पे कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ बच्चों को। कितने टीचर हैं आपके क्लास में? हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 12-13 टीचर्स है। स्टूडेंट्स अप्रोक्स 190 क्रॉस है यहाँ पे। स्टार्टिंग में जब मेरे को क्लासेस खोलना था तो मेरा टारगेट था 25 का, बट अगर आज मैं अगर देख रहा हूँ तो यहाँ पे 190 प्लस या 200 तक मेरे बच्चे हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं मेरे डैडी की ब्लेसिंग्स है, मेरे टीचर्स, मेरे फैकल्टीज, जो भी वेल विशर्स है उनकी ब्लेसिंग है। उसके वजह से आज जो मेरा टारगेट 25 का था, बट आज यहाँ पे 200 तक पहुँच गया, मैं काफ़ी खुश हूँ उनकी वजह से। सर, आपका लास्ट ईयर का रिजल्ट कैसा था, बच्चों ने क्या कितना परसेंटेज सिक्योर किया, क्लासेस कौन कौन से स्कूल के बच्चे थे जो अच्छे टॉप पे? लास्ट ईयर अगर मैं कहूँ तो मेरे पास 2 टॉपर्स है, उससे भी ज्यादा है, बट हाईएस्ट 88% है, वो एनटीसीसी से बिलोंग करती है, कृष्णा नाम है उसका, और एक स्टूडेंट है जिसका नाम मयंक शेट्टी है, वो सेंट जूड्स या गोरेगांव में एक स्कूल है, वहां से वो बिलोंग करता है, इनफेक्ट जीजस से बिलोंग करता है वो। तो उम्मीद करते हैं आगे चल के आप और भी एक्सपांड करेंगे, डिग्री कॉलेज के बच्चों को भी पढ़ाएंगे आपके क्लासेस। Yes, definitely. ये अभी सेकेंड ईयर ही है, तो भी ऊपर वाले के बोलते हैं ना, ब्लेसिंग से काफी अच्छा हुआ है, बट मेरा ड्रीम है आगे अच्छे अच्छे कोर्सेज बच्चों को ऑफर करें। जैसे आपको पता है मालवनी हमारा एरिया है कैसा, यहाँ के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन इतना नहीं मिलता, बट मेरा एक एम है कि यहाँ के बच्चों को हम अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दें, बिकॉज हमारा फ्यूचर जो भी है सारे बच्चों पर ही डिपेंड है। अगर हमारा इंडिया क्वालिटी बच्चे रहे तो आगे चल के अच्छा खासा प्रोग्रेस करेगा। सर, आपको फीस को लेकर भी बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ता होगा, क्योंकि मालवनी क्षेत्र में बहुत से बच्चे गरीब होते, ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उसको आप किस तरह से फेस करते हैं? अगर मैं मेरी स्टोरी बताऊँ तो हम भी काफ़ी बोले ना पुअर बैकग्राउंड से आगे आए हैं, तो वो चीज़ को दिमाग पर रखते हुए मैंने यहाँ की जो फीस है वो रीजनेबल रखा है, और काफ़ी बच्चे अगर जिनको अफोर्ड नहीं होता है तो मेरे तरफ से मैंने उनको फ्री ऑफ चार्ज बोले तो अपने इनिशिएटिव से उनको मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये पापा का सपना था इसलिए ऐसा करते हैं? यस, पापा का सपना था कि बोले ना जो बच्चे गरीब है उनको अपने तरफ से कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड करना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो मैं कर सकता हूँ कि काफी बच्चों को मैंने यहाँ पे रीजनेबल फीस रखा है, और उसी के साथ यहाँ पे कुछ कुछ बच्चों को मैंने फीस मैं नहीं चार्ज करता हूँ, क्योंकि मुझे उनका बैकग्राउंड पता है कि बहुत वो पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो डिस्काउंट वगैरह भी कर देते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते।
सर आपके फैकल्टीज के भी बारे में बताइए, जो पूरा मैनेज करते हैं क्लासेस को संभालते हैं उसके बारे में। जी हाँ, देखिए मेहनत तो हमारी है, बट इनके बिना बोलते ना एक सपोर्ट सिस्टम है या क्लास की एक हम लोग सोल कह सकते हैं जो मेरे क्लासेस को सपोर्ट करती है। मैं बिंदास रहता हूँ, अगर मुझे कहीं जाना है मुझे पता है मेरी असिस्टेंट या मेरी जो टीचर है वो हमेशा यहाँ पे अवेलेबल रहती है, जिनके भरोसे पे मैं पूरी क्लास छोड़ के जा सकता हूँ। वो है हमारी आयशा मिस, जो क्लासेस की कह सकते हैं ना हम लोग स्पाइनल कॉर्ड या फिर एक बैकबोन है इस क्लासेस की, आयशा मिस हमारी। अच्छा, तो आयशा मिस आप क्लासेस को पूरी तरह मैनेज करती है, संभालती है, कुछ डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है आपको? एक्चुअली बीइंग अ स्टूडेंट, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। उनके हमारा एज डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है 9th-10th के स्टैंडर्ड के साथ, तो उनको उनके तरीके से हैंडल करना तो वो थोड़ा डिफिकल्ट। आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चों लोगों? 8th स्टैंडर्ड तक मैं पूरा ऑल सब्जेक्ट, हां, और 9th-10th में मैं टेक अप्स, ओरल्स एंड ऑल। तो किस तरह जो बच्चे जो ज्यादा मस्ती करते हैं उसको किस तरह से हैंडल करते हैं? थोड़ा चिल्ला के, पनिशमेंट देके, तो आपके क्लासेस में मेथड ऑफ टीचिंग कैसा रहता है बच्चों को पढ़ाने का? इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट, हर किसी का अलग कैलिबर होता है, हर किसी का अलग ग्रास्पिंग पावर होता है, उस हिसाब से हर स्टूडेंट के लिए एक अलग ही तरीका होता है। एक बैच होता है उसमें काफ़ी बच्चे होते हैं, कोई बच्चे क्वेश्चंस नहीं कर पाते, तो उनको आप किस तरह से हैंडल करते हैं? क्या एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं उनको, किस तरह से उनको? हाँ, हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, हम कोई शाय होता है बच्चा? हाँ, हम लोग इवनिंग के बैच के स्टूडेंट्स को मोस्टली ट्राई करते हैं, जो वीक है उनका आफ्टरनून में बुला के कवर करना, और जो 9th-10th स्टैंडर्ड है उनका टाइम थोड़ा एक्सटेंड करना, जो वीक स्टूडेंट्स उनको एक्स्ट्रा बिठाना, ऐसे करके हो जाता है। तो टाइम टू टाइम उनका एग्जाम्स वगैरह भी आप लोग कंडक्ट करते हैं? उनका प्रीलिम्स चालू भी है क्लासेस का। अच्छा, क्लासेस की तरफ से प्रीलिम्स चालू है, तो कैसा रिजल्ट आता है आपका? अभी तक तो अच्छा है, लेट्स होप आगे भी अच्छा है। अच्छा अच्छा, कितने टोटल कितने बच्चे हैं क्लासेस में? 190+ ओके, थैंक यू। सर आपका नाम बताइए, आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सर मेरा नाम शमशाद है और मैं 5th-7th-8th तक हिंदी मराठी ग्रामर भी पढ़ा लेती हूँ, मैथ्स का भी लेक्चर लेती हूँ, मतलब टेकअप्स वगैरह भी लेती हूँ। अब बच्चों को किस तरह का होमवर्क देते हैं, जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट ले होमवर्क करने में और पढ़ाई करने में इंटरेस्ट ले, उसके लिए आप क्या करते हैं? कुछ ऐसा, मतलब हम लोग अपने तरीके से हम लोग को पढ़ाते हैं कि उनको भी इंटरेस्ट आए। होमवर्क से तो सब बच्चे जी चुराते हैं, ऐसा नहीं कि मिस थोड़ा होमवर्क दो, बट उनको कुछ ऐसे तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं ना कि वो लोग सामने से बोलते हैं मिस होमवर्क दो, आप होमवर्क देते तो हम लोग करने में मजा आता है। तो ये पाई ट्यूटोरियल्स में एक ऐसी है जो सर ने हम लोग को ट्रेन किया है कि इस तरीके से इस वे से आप बच्चों को टीच करो, वैसे हम लोग। अच्छा, मतलब बच्चों को कोई इंटरेस्ट देने के बाद ही बच्चे पढ़ाई करेंगे? हाँ, कुछ हाँ, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ, कोई तो मजा आ रहा है एक्चुअली, अच्छा फील हो रहा है। सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। मैं मेरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस अभी यहाँ होने आया है, सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है फाइनेंशियली भी, और मतलब वो फ्रेंडली भी है। टीचर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है अगर पर्सनली भी या तो कुछ बच्चों को लेकर, तो हम लोग बिंदास सर के साथ ऐसे मतलब है कि हम लोग शेयर कर सकते हैं, और हर चीज में उन्होंने अब तक सपोर्ट किया है। आपका क्या क्वालिफिकेशन है? मैं ग्रेजुएट हूँ बीएससी साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। अच्छा, तो आप सिर्फ क्लासेस में ध्यान दे रहे हैं? मैं पहले भी पढ़ाती थी एज ए टीचर पुणे में, फिर शादी के बाद अभी मैं क्लासेस ही, और जब से मैंने पाई ट्यूटोरियल्स ज्वाइन किया है तो मैं अभी यही हूँ सर के साथ, यही मतलब ट्यूशन वगैरह। जी जी, थैंक यू। आयशा, आयशा टीचर आप क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? सर बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव है, एंड स्पेशली बीइंग अ स्टूडेंट मेरे को ऐसे थोड़ा टाइम फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए रहता है। अच्छा, आप खुद एक स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो ही अंडरस्टैंड्स वेरी वेल, समझते हैं वो कि हाँ ठीक है, टायर्ड भी रहते हैं तो वो समझते हैं हाँ ठीक है टायर्ड है आज, थोड़ा कम काम, ऐसे इज वेरी अंडरस्टैंड। विशाल सर, आखिर में ये मालवनी के जो MHB कॉलोनी के बच्चे, आजमी नगर माड़ा के, उनको आप क्या आश्वासन देंगे? जो बच्चे वीक है उनको आप किस तरह से टीच करेंगे ताकि वो अच्छा परसेंटेज लेके आए? लास्ट मैसेज हमारे दर्शकों के लिए।
देखिए सबसे पहली चीज तो होता है कि बच्चों को देखो ताली दो हाथ से बजती है, हम भी मेहनत कर रहे हैं और बच्चों को भी मेहनत करना चाहिए, ठीक है। तो हम इस क्लासेस में काफी क्रिएटिव वेज लाते हैं जिससे बच्चा भी इंटरेस्ट ले। जैसे हम काफी गिफ्ट रखते हैं, अगर वो टॉप आया तो उसको हम गिफ्ट रखते हैं, या उसके अलावा उसको अप्रिसिएशन करते हैं काफी बच्चों को टॉप आने के लिए। और हम बच्चों के प्रस्पेक्टिव के हिसाब से चलते हैं, ऐसे नहीं कि हमको इतना टारगेट हम पूरा कराए, हम बच्चों से पूछते हैं आपका कितना टारगेट, आपसे कितना कैलिबर हो रहा है, उस हिसाब से हम लोग एक शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं जो बच्चे को भी बोलते ना सूट करें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि ऐसे नहीं कि हम टीचर है तो हमारे हिसाब से हमको चलना है, बच्चों को क्या सूट करता है या क्या उसके हिसाब से उस हिसाब से हमको चलना होता है। क्योंकि आजकल का जो जनरेशन अगर हम देख रहे तो बच्चे काफी सोशल मीडिया में घुस चुके हैं, ठीक है, जहां देखो इंस्टाग्राम है, जहां देखो व्हाट्सएप है, जहां देखो फेसबुक यूज कर रहे हैं। तो बच्चों को हमको बताना है कि किस तरीके से इस सोशल मीडिया को आपको यूज करना है। देखो हर एक चीज का पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट होता है, बट बींग अ टीचर या फिर एज अ पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को बताना है कि इस मीडिया को हमको किस तरीके से यूज करना है। कि जैसे आपने कहा कि मालवनी हमारा एक मिडिल क्लास एरिया है, तो सारे बच्चे यहाँ पे जो भी है हमारे पास नॉर्मली सब मिडिल क्लास के बिलोंग करते हैं। तो हमारे पास अगर अच्छा बनना है लाइफ में तो एक एजुकेशन ही एक ऐसी चाबी है जिसके थ्रू हम लोग अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ना ही हमारे पास कोई ढंग का बिजनेस है, ना ही हमारे पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। अगर बच्चे को सक्सेसफुल बनना है तो एक एजुकेशन एक ऐसी की है जिसके वजह से वो लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। और हम इंडियंस हम काफी ब्लेस्ड है, हमारा इंडिया में यंग पॉपुलेशन काफी फेमस है, सबसे ज्यादा यहाँ पे इंडिया में यंग पॉपुलेशन है। और अगर यही यंग पॉपुलेशन ने अगर अच्छा क्वालिटी बताया तो आगे चल के हमारा इंडिया भी काफी आगे बढ़ेगा। तो जो भी है इंडिया का फ्यूचर है वो सारे हमारे बच्चों पे ही डिपेंड। सर स्टडी के साथ साथ पॉइंट ट्यूटोरियल में कुछ एंटरटेनमेंट भी होता है जैसे एनुअल डे या पिकनिक वगैरह कुछ, क्योंकि एक जो ये रिलेशन हो जाता है टीचर्स का और बच्चों का एक फैमिली रिलेशन टाइप का हो जाता है, तो इस तरह का कुछ आपने किया है या करेंगे आप? यस डेफिनेटली, हमने रिसेंटली पिकनिक ऑर्गेनाइज किया था हमारे 9th-10th के बच्चों के लिए, हम लोग वाटर किंगडम गए थे। इसके अलावा अभी रिसेंटली हम लोग ने 21st को क्रिसमस पार्टी अरेंज किया था जो जूनियर से लेके 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए था। उसमें हम लोग ने मैजिशियन लाया था जो बच्चे काफी खुश हो गए और काफी मैसेजेस आए मेरे को कि सर थैंक यू, हमारा दिन काफी अच्छा गया। क्योंकि बच्चों को थोड़ा क्रिएटिविटी चाहिए होता है, नॉर्मल क्रिसमस पार्टी तो सब करते हैं, बट मैंने ट्राई किया कि कुछ अलग चाहिए हमारे बच्चों को, तो उसके लिए मैंने मैजिशियंस बुलाया था। इसके अलावा अभी हमारा 10th का फेयरवेल होगा, वो ग्रैंड स्केल पे हम नॉर्मली बैंक्वेट हॉल में करते हैं, तो नॉर्मली जैन एंड में या फिर फरवरी में हम वो करेंगे। उसमें अवार्ड फंक्शन होगा, स्टूडेंट ऑफ द ईयर होगा, जो अच्छा पढ़ता है उसको अवार्ड दिया जाएगा हमारे क्लासेस की तरफ से। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। यस हाय, क्या आप सब एक्साइटेड हो? मैं चुप हूं। अरे जब से चिल्ला रहे थे आपकी आवाज ही नहीं है, क्या आप लोग एक्साइटेड हो? ओके, मैं एक्साइटेड नहीं कर रहा, ठीक है, प्रोग्राम करना अपनी टेंशन को निकाल दो। गाइस इज एमडी खाली ब्रिंग साइड मैजिक करते हैं हम सबको साथ में, क्या बोलना है? 1, 2, 3 वड़ा पाव उभे राहते ना मैदान मध्ये, शुभांश कोणा लावू सर? नाही सांगितलं ना।